ये जिंदगी एक सफ़र है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, जिसमें एक इंसान को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, फिर भी लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाली के साथ जीते हैं। उन्हीं में से एक हैं दिल्ली की लाल गुंबद निवासी बीना जी। 80 वर्षीय बीना जी झारखंड से 22 साल पहले दिल्ली आई थी। पति के गुजर जाने के बाद 3 बेटी और 2 बेटों का पेट पालने के लिए उन्हें दूसरों के घर झाड़ू पोछा करना पड़ा। कई सालों के बाद उन्हें विधवा पेंशन की सुविधा मिली, लेकिन अचानक कुछ साल पहले उनकी पेंशन बिना किसी वजह के रोक दी गई। बारिश में, इतनी बारिश में गए थे, जब भी पहले लेडीज बैठती थी, बारिश में गए, कहते अगले महीना से आ जाओ। उन लोग कोई काम नहीं करे, कोई काम नहीं करे, फिर उन लोग बदली हो गए। फिर दोबारा गए तो जल बोर्ड में वो बोला कि वो लोग तो कोई काम ही नहीं करा तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर दोबारा जल बोर्ड में गया, फिर शुरू हुआ, फिर आया, फिर 2 साल बंद हो गया। फिर गए वही कस्तूरी रोड, वहाँ 2 बार फार्म जमा करे, वहाँ भी गैप कर दिया। मेरा बाकी लोगों को तो आया, मेरा और केवला का तो आया ही नहीं। पैसे न आने की वजह से उन्हें अपने बच्चों से कई बार अपमानित भी होना पड़ा। दुख क्यों नहीं है, कभी कभी सोती खाना पका हुआ ही रहता था, ऐसे सो जाती थी। पेंशन रोके जाने के बाद बीना जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और अपनी शिकायत दर्ज करवाने की गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं की गई। इसी बीच उन्हें एक गैर सरकारी संस्था सतर्क नागरिक संगठन के बारे में पता चला। इस संस्था ने RTI कानून के तहत उनकी विधवा पेंशन बिना वजह रोक दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। बीना जी हमारे पास आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इनकी पेंशन रुकी हुई थी। ये विभाग में भी गई, वहाँ से भी कई बार धक्के खा के आई। फिर उसके बाद में हमने इनकी एक शिकायत बनाई, जो शिकायत डाली तो उस पर इनका कोई एक्शन नहीं हुआ, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने एक RTI बनाई जो जमा कराई गई विभाग में, जिसमें इनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में इनकी डायरेक्ट पेंशन ही आ गई है। बीना जी और सतर्क नागरिक संगठन की कोशिशें रंग लाईं और अक्टूबर 2014 में उनकी 3 माह की रुकी हुई पेंशन और जनवरी 2015 में अगले 3 माह की पेंशन के तौर पर 13,500 रुपये मिल गए। इतने संघर्ष के बाद भी आज बीना जी खुश हैं और हर शाम अपने मोहल्ले की कुछ हम उम्र सहेलियों के साथ बैठकर गपशप और हंसी ठिठोली करके अपना समय गुजारती हैं। बीना जी के इस संघर्ष का परिणाम करते हैं हम कुछ पंक्तियां इनके नाम। उन लफ्जों को सुनकर भी ना सुनता था कोई अक्सर, RTI की ताकत ने आवाज उठाई एक नई उम्मीद बनकर। वक्त बदला यूं कि उन आंखों में अब नया नूर है, जिंदगी जीने का जज्बा अब उन आंखों में भरपूर है।